बार फिर से सभी का स्वागत है दोस्तों। काफ़ी वीडियो मैं बना चुका हूं और अब थोड़ा टायर्डनेस भी आ गई है, तो ये बी कॉम ऑनर्स का कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस मैं आपके लिए लेके आया हूं। फिर भी काफ़ी लेट हो गया बनाने में, लेकिन क्या करें, पेपर बहुत सारे हैं बी कॉम प्रोग्राम, बी कॉम ऑनर्स एनुअल मोड के, तो डिमांड पूरी हो नहीं पा रही और थोड़ा मेरी भी लिमिट्स हैं। हालाँकि मेरे फ्रेंड और मैं दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इतने पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो ये है आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का लास्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था और आज मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूँ। लास्ट टाइम हमने लोन शीट की थी, क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पेरोल शीट। ठीक है, एक्सेल में बनानी थी आपको, ये फंक्शन लिखने थे इसके लिए। डी ए 35%, एच आर ए 25%, टी ए 3200, ये सब कुछ करके आपको अपनी बनानी है। अब बनानी है यहाँ पर आपको सैलरी शीट या पेरोल बनानी है आपको। तो ये आपका मैंने सॉल्व किया है, तो ये सॉल्यूशन एम्प्लॉई नेम बेसिक पे डी ए एच आर ए टी ए ग्रॉस सैलरी जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से मैंने ये लिख दिया है। और साथ में आपसे फंक्शन भी मांगे गए हैं, तो फंक्शन के लिए आपको मैंने एरो लगा के दिखा रखा है कि जहाँ जहाँ ये एरो लगे हुए हैं वहाँ पर आपको अपना फंक्शन सारे डाल देने हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपका है 2800, तो ये आपका सेल बनेगा A1 B1 C1 C2। C2 सेल में आप लिखेंगे B2 × 35%, B2 मतलब बेसिक पे 8000 लिखा होगा, × 35%। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे C2 कॉलम में, यानी कि DA के नीचे जहाँ 2800 लिखा है वहाँ लिख देंगे इसको। उसके बाद हम जाएंगे HRA वाले में, तो HRA वाले में आपको फंक्शन लगाना है इफ़ वाला, इफ़ B2 ठीक है × 25%, यानी कि बेसिक पे × 25% इज़ लेस देन 2000, अगर 2000 से कम है तो कितना मिल जाए उसका B2 का 25%, तो उसे मिल जाए B2 को सैलरी का 25%, वरना मिल जाए 2000। ये फार्मूला हम लगा देंगे HRA के लिए, HRA का फंक्शन वॉकी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर HRA के बारे में, एक बार देख लो क्या दे रखा है। सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम टू 2000 से ज़्यादा ना आए, ये लिमिट है, लगा दिया उसके लिए हमने। अब है हमारा TA का फार्मूला, वो ये रहा, इफ़ B2 इज़ लेस देन 10,000, जो बेसिक सैलरी 10,000 से कम है तो मिल जाए 3200, और 10 से ऊपर है तो मिल जाए 5000। ये फार्मूला आपको लगा देना है यहाँ पर टोटल और ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे ग्रॉस सैलरी पे। ग्रॉस सैलरी तो बहुत सिंपल है, बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस TA, यानी सम ऑफ B2 × E2। तो फिर आपके लास्ट फार्मूले हैं टोटल के अंदर, जहाँ पर टोटलिंग की है वहाँ पर आपका फार्मूला क्या आना है, ये आपका आना है सम ऑफ B2 × B5, ये आपको मिल जाएगा। ये रहा सम ऑफ B2 × B5, नीचे दे रखा है आपको मैंने एरो बना के ब्लू पेन से, तो ये आपका आएगा जहाँ लिखा है 41,500, ऐसे ही जहाँ लिखा है आपका 14,525 DA के ग्रांड टोटल के अंदर, वहाँ आप लिखेंगे सम ऑफ C2 × C5। ऐसे ही HRA में 7375 लिखा है, वहाँ D2 × D5, ऐसे ही TA में आपका E2 × E5, और ऐसे ही ग्रॉस सैलरी में F2 × F5। ये आप देख लेंगे, वो तो आपको एक बार बता दिया C2 × C5, आप फिर वो ऑटोमेटिक ही करते जाएंगे, D2 × D5, E2 × E5, और लास्ट में F2 × F5। कहाँ पर लगेंगे फार्मूले ये सारे, जहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है टोटल, है ना। तो देख लो बेसिक पे वाला जो है आपका वो बी कॉलम है, तो B2 × B5, DA वाला सी कॉलम है तो C2 × C5, HRA वाला आपका डी कॉलम है तो D2 × D5, TA वाला आपका ई कॉलम है तो E2 × E5, और ग्रॉस सैलरी वाला एफ कॉलम है तो F2 × F5। यहाँ टोटल लिखा हुआ है 41,500, वहाँ ऐसे ही 14,525 जहाँ मैंने ब्लू पेन से एरो बना रखे हैं वहाँ पर आपको ये फार्मूला लिखना है B2 × B5, C2 × C5, उसके बाद D2 × D5, ये E2 × E5, ऐसे करके आपको ये सारे लिख देने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।